नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम समा के चावल की खीर बनाएंगे। समा के चावल की खीर फलाहारी खीर होती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे किसी भी व्रत में बना करके खाया जा सकता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए देखें, समा के चावल की खीर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हमने 1/4 कप समा के चावल लिए हैं। ग्राम्स में नापेंगे तो 40-50 ग्राम समा के चावल हैं और इन्हें हमने भिगो दिया है। तो ये भीगे हुए समा के चावल हैं और सूखे हुए समा के चावल इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल बारीक दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने। हमने 1/4 कप चीनी ली है, 8-10 काजू ले लिए हैं, 15-20 किशमिश ली हैं और 3 छोटी इलायची ले ली हैं। और दूध 1/2 लीटर है, 500 ग्राम। कप से नापेंगे तो 2.5 कप दूध है ये। हमने फुल क्रीम दूध लिया है। अगर आप क्रीम ज़्यादा ना पसंद करें तो खीर के लिए टोंड दूध भी लिया जा सकता है। और दूध को उबलने देते हैं हम। तो दूध जब तक उबलेगा तब तक हम ये काजू काट करके तैयार कर लेंगे और इलायची को छील करके पाउडर बना लेंगे। हम जो दूध उबलने रख रहे हैं तो दूध भगोनी में डालने से पहले भगोनी को हम एक बार धो जरूर लें। जैसे हमारे बर्तन सूखे होते हैं तो एकदम सूखे बर्तन में दूध ना डालें, क्योंकि दूध तले में लग जाता है। भगोनी धो लेंगे तो तले में दूध नहीं लगेगा। और दूध को 2-3 मिनट में चमचे से चला दें। दूध में उबाल आ गया है और दूध में हम ये भीगे हुए समा के चावल डाल देंगे और खीर को हम हर 2-2 मिनट में चमचे से चलाते रहेंगे और चमचे को बिल्कुल बर्तन के तले तक ले जाते हुए चलाएंगे कि खीर बर्तन में लगनी नहीं चाहिए। और जैसे ही चावल नरम हो जाएंगे हम इसमें मेवे डाल देंगे। ये चावल थोड़े फूल गए हैं, नरम हो गए हैं और अब हम खीर में कटे हुए काजू और किशमिश डाल देंगे और थोड़ी देर खीर को पकने देते हैं, 3-4 मिनट। खीर को हम धीमी गैस पर पकाएंगे, तेज़ गैस पर नहीं पकाएंगे। ये खीर बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। चमचे से गिराएं, चावल और दूध मेवा सब एक साथ गिर रहे हैं और ये खीर बहुत जल्द बन जाती है। 20 मिनट के अंदर खीर बन के तैयार हो गई है। खीर में अब हम चीनी हम अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इलायची पाउडर डाल देंगे और गैस बंद कर देते हैं और खीर को हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि चावलों के अंदर इलायची की महक अच्छे तरीके से समा जाए। खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। खीर को हम प्याले में निकाल लेंगे हमने ये 2 बादाम पतले पतले काट लिए हैं तो खीर के ऊपर डाल करके हम गार्निश कर देते हैं। समा के चावल की खीर बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है। आप समा के चावल की खीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।